अगर ऐसा हुआ भी है तो भैया आप आइंदा से हरकत नहीं करेंगे, सिंपल इज दैट। मैंने नहीं की, सीधी सी बात है। वो कैमरा लगा हुआ कैमरे में हाथ ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि पापा के साथ प्रैंक करता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी पापा के साथ कोई प्रैंक नहीं किया। सिगरेट प्रैंक करने वाला हूँ। वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कहना, जा यार तेरी मर्जी, जो तेरा दिल करता कर ले। उन्होंने कुछ बोलना नहीं है, लेकिन देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अभी पापा जो हैं वो आने वाले हैं, और आरफा को पता है, आरफा ने मुझे बताया कि पापा आ रहे हैं। तो कैमरा जो है मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, ताकि पापा वहाँ से आएँ और यहाँ पे सब नज़र भी आ सके। ट्राईपॉड में ले आया हूँ, और ये पड़ी हुई है जी सिगरेट। ये मैं कोई 4-5 दिन पहले लेके आया था, इतने दिन से प्लान किया हुआ, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं। यार कैमरा तो मैंने इधर लगा दिया, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि पापा आएंगे और पापा को सीधी नज़र पड़ेगी कि कैमरा लगा हुआ। लेकिन पापा इतने मासूम है कि उनको कुछ पता नहीं चलना। हो सकता है उनको लगे कि ऐसे ही पड़ा हुआ चार्जिंग पे लगा हुआ, लेकिन देखते हैं क्या सीन। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर्दे वगैरह पे रखूँ, लेकिन फिर व्यू इतना अच्छा नहीं आएगा यहाँ से। सिगरेट जो है वो मैंने जला ली, और मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया। सिगरेट भाई मैंने इसलिए जलाई है कि कमरे में जो है ना थोड़ा सा धुआं होगा और स्मेल आएगी, तो ही पता चलेगा। अब वो एकदम आए और मैं एकदम सिगरेट को जलाऊँ तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, और ना इतनी स्मेल होगी, पापा को पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ी सी जरा स्मेल आ जाए कमरे में। टेबल की माँ बहन एक हो गई है। पापा ने तो जो करनी सो करनी, मुझे लगता है आरफा ने भी कर देनी है। इसको साफ कैसे करें, बल्कि इसको पड़ा रहने देते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी बच्चों सिगरेट नहीं पीनी कभी किसी ने, ना सिगरेट पीनी है ना वेप पीना। 6 hours later गाइस वो लोग आने लगे हैं, मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को कैमरा सेट करना पड़ेगा। एक तो मैं जगह को लेके इतना कंफ्यूज हुआ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ रखूँ। बस उन जान दो, वेखी जाएगी, इधर ही रख लेते हैं। ओए 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 ओए, बढ़िया पैनी आने आज आगे पापा आगे। तो पापा इतना टाइम लगाते हैं नीचे बातें कर रहे हैं, गर्मी इतनी है, मुझे पसीना आ रहा। आवाज थोड़ी क्लियर आई इसलिए पंखा बंद किया हुआ। ये सिगरेट खत्म हो जाएंगे, पापा ने नहीं आना यार। जो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। दोस्त लेके आ दो
यार सौदे में ले आई हूँ। अच्छा ये स्मेल किस चीज की है? कौन सी स्मेल? क्या पी रहे हो आप? कुछ भी नहीं। क्या कुछ नहीं? क्या क्या पिया? क्यों पी रहे हो आप? क्या पिया? सिगरेट क्यों पी रहे हैं आप? कौन सी सिगरेट? वो जो उसमें पड़ी हुई है। सिगरेट थोड़ी हो तो और क्या है? वो तो बताया था ना, दोस्त ने दिया था मुझे। दिया था तो पीना शुरू कर दें। तो उसने रखने के लिए थोड़ी दिया था। आप क्यों पी रहे हो मुझे ये बताओ। कब पिया? अभी। तुमने देखा उसमें पड़ी हुई है? ये उस दिन की जो दोस्त लेके आए थे वो लिया। पापा देखे जरा, सिगरेट पी रहे हैं ये? सिगरेट पी रहे हैं ये। कब पियो? मैंने बेटा इसको कहा है, अब कहते मेरा दोस्त आया। लेकिन अब चलो एक चीज बताऊंगा मैं, ये जितने चेन स्मोकर है ना उनका स्टार्ट यही होता है। वो लगा रहे ना अब्दुल्ला बस दोस्त तो ने पी है, वही पड़ी हुई है, मैंने पी नहीं है। किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो तुम। क्या किसी से पूछ लो कि स्टार्ट कहां से हुआ था? ये स्टार्ट है। क्या मजाक में पिया था नहीं मैंने? उसके बाद आहिस्ता 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 वो उसके ऊपर आप एडिक्ट हो गए। मैं एक आधी सिगरेट पी सकता हूँ। तुम ये देखो अब्दुल्ला के इसका हाल देख रहे हो? हाँ। सिर्फ स्मोकिंग का नतीजा ये ध्यान में रखना, ये स्मोकिंग रुकती नहीं है। फिर आगे आगे आगे, अच्छा ये भी चेक कर लो यार, ये भी कर लो, आपको वो पढ़ते चले जाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है, कहा देख लो वो आपके घर के अंदर बैठा है। ये शुरू हो गया है ना? नहीं पी रहा। क्या कहां आपने आधी पी ली है? कहां देखी है तुमने? चलो बहरहाल अगर ऐसा हुआ भी है तो भाई जान आप आइंदा से हरकत नहीं करेंगे। सिंपल इज दैट। मैंने नहीं पी। सीधी सी बात है, ये इस तरफ नहीं आना, ये काम नहीं करना। मैंने पी ही नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपने नहीं पी तो बहुत अच्छी बात है, अगर पी है तो फिर ये इसको समझो कि ये इसके बाद दोबारा ये काम नहीं होगा। पापा पी है इसीलिए ये स्मेल फैली है ना, ऐसे नहीं फैली होती। आप उसमें ला रही? स्मेल तो मुझे भी आ रही है। कहां से आ रही है? और ये तो तुझे पता होगा। अच्छा बात सुने। हां कमरे में तू बैठा हुआ है ना, मैं तो कोई ना वो कैमरा लगा हुआ है कैमरे पे हाथ ला। इस प्रैंक में ये भी शामिल थी, ये सारी कारिस्तानियां इसी की हैं। तो भाई ऐसे ही होता है ना, प्रैंक ऐसे ही हो जाता है। मैं तो यही सोच रहा था, मैंने कहा पापा एक आधी धर देंगे, पापा ने धरी नहीं। ये प्रैंक मम्मा के साथ किया होना होता ना तो मम्मा ने और दोनों ने मिलकर मुझे कुट रहे होना था इस टाइम। पापा को सिर्फ दुनिया में ना एक ही चीज से मतलब है। वो क्या? और ये पापा इतना ठंडा रिएक्शन क्यों दिया आपने? तप नहीं चढ़ी आपको? नहीं तप तो चढ़ी थी फिर, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ठंडा लो थोड़ी डोज देता हूँ। अगर पेशेंट थोड़ा सीरियस हो फिर ज्यादा हो जाती है। फिर और ज्यादा ज्यादा से आगे भी कुछ होता है या ज्यादा पे आगे रुक जाती है? डोज बढ़ाता हूँ। पर देखो बात यह है कि एक जाहिल इंसान को समझाने में और पढ़े लिखे इंसान को समझाने में बड़ा फर्क होता है। जाहिल इंसान नहीं समझता, पढ़े लिखे को आप दलील से बात करें उसको वो समझ जाएगा। ऐसे ही यार पप्पा का जो रिएक्शन है ना वो इतना चिल इस वजह से था क्योंकि पप्पा ने सारा बचपन जो है ना बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा है और उनको अपनी तरबियत पे यकीन है, उनको पता है कि ये कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। इसीलिए आप ऑब्वियसली जब बंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो उतना चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता, मतलब उनके बच्चों के बच्चे हो गए तो वो चीज़ नहीं रहती। लेकिन यही चीज़ अगर मैंने मामा या महानूर के साथ किया होता मेरी इतनी भी स्थिति होनी थी, इतनी भी स्थिति होनी थी। वैसे तो मम्मा को भी वो है, मम्मा भी चिल है, लेकिन उन्होंने उस टाइम जो रिएक्शन आना था वो बहुत हरामी रिएक्शन आना था। अब अल्लाह करे कि ये जो वीडियो है ये मम्मा या महानूर ना देखें,
अगर उन्होंने ना देखी तो मैं हो सकता कि कल ही जाके ना उनके साथ ये प्रैंक कर दूं। खैर आज का जो व्लॉग है इसको मैं करूं यहाँ पे खत्म। सब्सक्राइब लाजमी करना, शेयर लाजमी करना, इस वीडियो के ऊपर मुझे मैक्सिमम शेयर चाहिए। नहीं मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।